आप कोई देव है? केवल मनुष्य। पानी पिएंगे? और नहीं पिएंगे? और नहीं। दोषन यहीं रुकिए। मेरी पूजा का नैवेद्य। मैं तपस्वी हूं, पके हुए खाने का त्याग किए मुझे बहुत समय हो गया, मुझे क्षमा करें। फिर आप क्या खाते हैं? दिन में एक समय कंद मूल फल जो भी पेड़ से गिरा वही खाता। जोगी बाबा का कोई नाम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, वर्षों से देव की स्तुति की और आज उनके दर्शन हो गए। दीदी, आप किसकी राह निहार रही हैं? उस जोगी की राह ताक रही है ना? तीन दिन से बाहर ही नहीं आए। ऐसे शरीर को दुख देंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कोई तो हो जो इस समय उनकी सेवा करे। इस घने जंगल को पार कर हमारे गांव की तरफ कौन आएगा? हे भगवान, तुझे पाने के लिए जो इतना कठोर तप कर रहे हैं, उनकी देखरेख का भार भी तेरे ऊपर है। कोई तो हो जो उनको संभाले। जोगी है? इतने घने जंगल को पार करके आप हमारे गांव में क्यों आए? मैं और मेरे चार साथी किसी को ढूंढ रहे हैं। अपनी जैसे जोगी को? हमसे कई अधिक उत्तम है वो जोगी। उस गुफा में कई वर्षों से एक जोगी तपस्या कर रहे हैं। उस जोगी की आयु लगभग 30 बरस है। हाँ, लंबा कद, कमल के जैसे नेत्र, शांत सुंदर। उनका नाम? सिद्धार्थ। वही दिव्य सिद्धार्थ जिसे ढूंढते हम जाने कहाँ भटक गए थे। आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मैंने अभी भगवान से मांगा कि उनकी देखरेख के लिए किसी को भेज दे, पर देखो आप आ गए। उस गुफा से वो नदी की ओर प्रातः आते हैं, नहाकर तीन चुल्लू पानी पीते हैं, फिर कोई एक पका फल खाते। तीन दिन से वो बाहर ही नहीं आए। मैं उनके लिए बहुत चिंतित थी। इतना कठोर तप कर रहे, कहीं उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो।
लेकिन अब आप आ गए। जोगी बाबा तनिक रुके, आप उन्हें ये फल दे देंगे? अवश्य। आप उनका ध्यान रखेंगे ना? हम उनके शिष्य बनने आए हैं, उन पर कोई विपत्ति नहीं आने देंगे। जो आप मुझसे मांग रहे हैं वो असंभव है। क्यों सिद्धार्थ? मेरा गुरु कह रहा है कि मैं उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूं। ये हमारी यात्रा का तीसरा चरण है सिद्धार्थ, गुरु शिष्य से गुरु भाई, और अब तुम्हारा शिष्य। पप्पा, असाजी, महानाम और भद्रिका भी इसी आशा में तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे जाने के एक माह पश्चात मुझे भी समाधि मार्ग के आठवें चरण की उपलब्धि हुई। मन में पिपासा जागी कि इसके आगे क्या, और तुम्हारी ओर मन खिंचा चला गया। जब तुम्हारा शिष्य बनने की बात गुरुदेव उद्रक रामपुत्र से कही, वो बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी इस तप की यात्रा में तुम्हारे सहायक नहीं तो तुम्हारे सेवक तो बन ही सकते हैं। अवश्य, पर सेवक नहीं, सहयोगी, सहयात्री। जीवन के इस खेल के पीछे जो अविनाशनीय सत्य है उसे देखने, उससे एक होने की यात्रा में मैं निकला, जिससे मनुष्य जाति के लिए कल्याण का मार्ग खुले। पर इस विश्वास पे मैं डिगने लगा गुरुदेव, तब मुझे एक तपस्वी मिले। उन्होंने मुझे महावीर की प्रेरणात्मक जीवनी सुनाई, शरीर को सुखा, महावीर को परम ध्यान प्राप्त हुआ। अब तक मैं इस मार्ग पर चला नहीं था, और अब इस मार्ग पर स्वयं को समर्पित कर दिया है। तो हम सब तुम्हारे साथ ये तपश्चर्या करेंगे? हाँ, हम सब इस मार्ग पर एक दूसरे के सहायक बन चले, जिसे उस चेतना की सर्वप्रथम अनुभूति हो वो दूसरों को उस मार्ग पर आगे की ओर ले जाए। अवश्य सिद्धार्थ, अवश्य। याद आया, एक लड़की मिली थी, वो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, उसने तुम्हारे लिए ये फल भेजे। सुजाता ने, इस निर्जने में उसने मेरी बहुत सेवा की। परेशान थी कि तुम्हारा स्वास्थ्य ना गिर जाए। बहुत करुणा है उसके हृदय में। ये फल आप ही ग्रहण करें, मैंने फलाहार भी त्याग दिया है। सिद्धार्थ, अब मैं केवल जल ग्रहण करता। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।